बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तें राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग भैरवी भजन छाय तालीय काम करना था तुझे जो आए के संसार में। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। आप उसको भूल गए फस मोह माया जार में। काम करना तुझे जो आए के संसार में। राम ने निज रूप दीना आपको कृपा करे। ताहे विरथा तुम गवाया जगत के व्यवहार में। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। कर्म करके धर्म धर के पार तरना था तुझे। आप उल्टे पाप करके बह गए भवधार में। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। संत गुरु के संग में रह आप लखना था तुझे। आप उल्टा खोए दीना रूप निज अहंकार में। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। कहत टेऊं सोच मन में समय अब भी ना साध संग हरि नाम जप कर तन सफल उपकार में। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। आए के संसार में। राग भैरवी भजन 46। काम करना था तुझे जो आए के संसार में। आप उसको भूल गए फस मोह माया जार में। जिस काज लिए यह जन्म लिया सो कार्य अब तक ना है किया। वो कार्य कौन सा है? तन चेतन चेतन हेत भयो भव भोगन हेतन देव दयो। अपने आत्म स्वरूप को जानना यही कार्य तुम्हें इस शरीर में करना था। इस भजन में गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उस कार्य को तुमने भुला दिया मोह माया में पड़ के। परमात्मा ने अपना स्वरूप तुम्हें दिया ये मनुष्य शरीर।
ईश्वर का स्वरूप है उसको तुमने जगत के कार्य व्यवहार में मोह माया में व्यर्थ गवा दिया। तुम्हें इस संसार में आके सत्कर्मों का आचरण करके धर्म को धारण करके संसार सागर से पार उतरना था, लेकिन आप पाप कर्म में प्रवृत्त होके उस धारा में संसार सागर की धारा में बह गए। संत और गुरु की शरण में आकर अपने सत्य स्वरूप की प्राप्ति करना ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था, लेकिन अहंकार करके मोह माया के वशीभूत होकर आपने उस अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अभी भी विचार करो, वक्त गया नहीं, वे सा वे बाकी रख रहत सा स्वामी सुपेरन खे तू पस अंदर पे ही ये मान सा दे ही तुखे मोटी मिलंदई कान का। अब भी विचार करो, जो समय बचा है उसमें सत्संग करके नाम का स्मरण करके सब जीवों का उपकार करके अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर चलाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मान स्वरूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम
ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु तेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।